एक आलिम दीन की दर्द भरी दास्तान। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम हज करने गए थे। वो बयान करते हैं कि मैंने देखा कि बेतुल्ला में एक मौलवी साहब रोज़ाना कुरान पाक की इन आयात की तशरीह किया करते थे, जिनका तर्जुमा यह है, माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, अगर इनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बूढ़े होकर रहें तो उन्हें किसी मौके पर भी उफ तक ना कहो और न इन्हें चढ़क कर जवाब दो, बल्कि इनके साथ एहतराम और अदब के साथ बात करो, नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुके रहो और दुआ किया करो कि ए परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफ़त के साथ बचपन में मुझे पाला था। और बाद वक़्त बयान करते करते उनकी आवाज़ लरजने कांपने लगती और अल्फाज रुक रुक कर ज़ुबान से निकलते और आँखों से आंसू की लड़ियाँ बहने लगती। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा तो वो भी मेरी तरह सब हैरत ज़दा थे कि आखिर इन आयात क़ुरान की तशरीह में मौलवी साहब पर इस कदर गर्यजारी क्यों तारी हो जाती। इसकी उनसे ज़रूर वजह दरियाफ़्त करनी चाहिए ताकि हमें भी कुछ नसीहत हासिल हो। लिहाजा जब वाज ख़त्म हो चुका तो हमने उनको चाय पीने के लिए कहा। हमारे ज़्यादा इसरार करने से मौलवी साहब मान गए। हम हरम शरीफ से बाहर निकलकर एक होटल में चाय पीने बैठ गए। हज के दिनों में हरम शरीफ के आसपास जितने होटल होते हैं वो अक्सर दिन रात ही खुले रहते हैं। गरज हम भी एक होटल में जाकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। बातों बातों में हमने मौलवी साहब से पूछा, मौलाना साहब क्या आप हमें इतना फरमाएंगे और इस पर वजाहत के साथ रोशनी डालेंगे कि इन आयात इलाही की तशरीह में जनाब इतने गमगीन और अफसरदा क्यों होते हैं। मौलाना साहब ने इस तरह से अपना वाकया बयान करना शुरू किया कि मैं कलकत्ता के करीब एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे वालदैन शहर में रहते थे और मेरे वालिद एक प्राइवेट कारखाने में मुलाजिम थे। पढ़े लिखे तो मामूली से थे लेकिन नहायत नेक और खुदा तर्स आदमी थे। मेरी उम्र अभी 4 साल ही थी कि मुझे एक इस्लामी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। मेरे वालदैन मुझे दीनी उलूम की तालीम दिलाना चाहते थे, इसलिए मैंने 18 साल की उम्र में अरबी ज़ुबान सीख ली। मैं दीनी तालीम के दौरान अंग्रेज़ी भी पढ़ता था और वालिद साहब के एक दोस्त के मदरसे से मैंने मैट्रिक यानी 10वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया। मेरी ख्वाहिश अफसर बनने की थी। मैंने अपने वालिद से इसका ज़िक्र किया। वालिद साहब को उस ज़माने में नौकरी के 200 रुपये मिलते थे, जिनसे पूरे घर का खर्च चलाना पड़ता था और आइंदे के लिए फ़िक्र करनी थी। मेरे वालिद साहब का ये ख्याल था कि मैं अब कोई मुलाजमत कर लूँ ताकि घर का इंतज़ाम संभालने में आसानी हो, लेकिन मेरा पक्का इरादा कॉलेज में दाखिल होने का हो चुका था। मैंने वालिद साहब की बेहद खुशामद की और उनको मनाया। आखिरकार वालिद साहब राज़ी हो गए। मैंने एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी वालिदा बड़ी किफ़ायतशार और अक्लमंद थी। अपने खाली वक़्त में वो मोमबत्तियाँ बनाकर अच्छे खासे पैसे हासिल कर लेती। इस तरह उनको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती लेकिन वो मेरी सब ज़रूरियात पूरी करते। फीस तो वालिद साहब दे देते थे और दूसरी ज़रूरियात के लिए मेरी वालदा मुझे चुपके से रुपए भेज देती। मुझे मालूम था कि वालिद साहब भी मेरे अखराजात और दूसरे भाइयों की तालीम और तरबियत के लिए ड्यूटी से ज़्यादा वक़्त काम करते थे। इस तरह उनको ज़्यादा पैसे हासिल हो जाते और हमारा खर्च चलता रहा और मैंने 6 साल में डिग्री हासिल कर ली। मैंने डिग्री तो बेशक हासिल कर ली मगर इस कॉलेज की तालीम के दौरान और उस ज़माने में कॉलेज के माहौल के रहन सहन ने मेरे इस्लामी शियार और तरीक़े को बिल्कुल ही बदल दिया और मैं इस्लामियात को बिल्कुल ही भूल चुका था। इसलिए यह माहौल ही नया और ऐसा था कि मैं वहाँ का रंग लिए बगैर न रह सका।
मेरा जहन मेरे ख्यालात जदीद तालीम तरबियत से बेहद मुतासर हो चुके थे। अब कैसा दीन और कैसे दीन की बातों पे चलना और कैसी नमाज रोज़ा करना, मेरे हालात और ख्यालात सब ही बदल चुके थे। मैंने छठे साल पूरे कॉलेज में अव्वल नंबर की कामयाबी हासिल की, इसलिए दरख्वास्त देने पर मुझे उसी कॉलेज में मुलाजमत मिल गई और मैं 350 माहवार तनख्वाह पाने लगा। चंद सालों में मेरी तनख्वाह 500 रुपया माहवार हो गई। अब वालदेन ने मेरी शादी की फ़िक्र की, वो ये चाहते थे कि किसी नेक और दीनदार लड़की से मेरी शादी हो जो घर में एक अच्छी बहू की तरह रहे। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो आज की नई तहजीब और नई तालीम से वाकिफ़ हो ताकि मौजूदा दौर और आला सोसाइटी में कब सके, हर एक के साथ खुलेआम बातें कर सके, नंगे डांस देख सके और नंगे डांस कर सके, सीना तान कर बाज़ारों में चल सके और हर बेहयाई के काम में तरक्की करके आगे बढ़ सके। लिहाजा मैंने अपने पसंद का ज़िक्र अपनी माँ के ज़रिए से अपने वालिद साहब से कर दिया, लेकिन उन्होंने पसंद न किया और बुरा माना। लेकिन मुझे नई रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसा बूझ सर पर सवार था कि कहाँ खुदा का खौफ और कहाँ का दीन का शौक़, न कुरान मजीद से मोहब्बत और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत। हर तरफ से नफ्स और शैतान ने पूरी तरह से रंग चढ़ा दिया और मैं अपनी ज़िद पर कायम रहा। माँ बाप की बात किसी भी तरह मेरी अक़ल में ना आती थी और न ही मैं मानने के लिए तैयार था। बहरहाल मैंने अपने वालदेन को बार बार इसरार करके राज़ी कर लिया। वह मेरे इसरार से राज़ी हो गए, शायद इस वजह से कि इन्हें अंदेशा था कि अगर वो इनकार कर दें तो शायद मैं अपनी मनमानी करूँ। इस खौफ से उन्होंने हाँ कर दी, लिहाजा एक फैशनेबल जाहिल बेदीन लड़की से मेरी शादी हो गई। शादी को अभी 2-4 महीने हुए थे कि वालिद साहब के कारखाने में एक गैस की टंकी पट जाने से उनकी दोनों आंखें जाती रहीं, इसलिए अब वो कारखाने जाने से माजूर और बेकार हो गए और काम के काबिल न रहे और अब वो घर में ही रहने लगे और उनको कारखाने की तरफ से एक मामूली सी रकम मजदूरी अलाउंस के तौर पर मिलने लगा। मेरी बीवी को इस्लामी तालीम तहजीब से दूर कभी वास्ता न था, वो तो सिर्फ आज़ाद ख्याल और तेज़ मिजाज औरत थी जिसे न खौफ खुदा और न इश्क मुस्तफ़ा। वो क्या जाने कि इस्लाम क्या है, वो तो पहले ही दीन से जाहिली मुतलक थी। कुछ उसकी सहेलियों ने उसके कान भर दिए कि अरे देखो, सास ससुर की खिदमत करना तुम्हारा फ़र्ज नहीं, बल्कि सास ससुर तो तुम्हारी खिदमत के लिए हैं, तुम उनसे जो चाहो खिदमत लेना। जो लड़कियाँ जाहिल गवार और बेअक़ल होती हैं वो अपने सास ससुर की खिदमत क्या करती हैं, तुम्हारा कोई हक़ नहीं उनकी खिदमत करने का, तुम अपने शौहर के होकर रहना बस। उस वक़्त मैं किसी अंग्रेज़ से कम न था, मेरे दिन रात सुबह शाम ऐशो मज़े में गुजरते थे। अब सिवाय ख्वाहिशात नफ्सानी के नशे के कुछ याद ही न था। लेकिन जब मैंने देखा मेरी महबूबा बीवी मेरे बूढ़े माँ बाप की खिदमत से नफ़रत और परहेज़ करती हैं तो मैं उस पर नाराज़ हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझ पर जादू कर दिया कि मैं उसकी हर हरकत पर इजहार पसंदीदगी करता था, मैं उसकी तलख मिजाजी और डांट डपट को बुरा जानता था। वो मेरे सामने मेरे वालदेन को कुछ भी बुरा भला कहती रहती लेकिन मेरे कान पर जू न रहती, मुझे ज़र्रा बराबर भी एहसास और बुरा मालूम न होता था। अब वो मेरे वालदेन पर हर आए दिन तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगी, लेकिन क्या करता, मैं अब तो सिर्फ नफ्स का बंदा रह गया था और रूहानी मौत मर चुका था। मुझे उससे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैं उसे कुछ भी न कहता था, हत्ता के ज़ुबान तक न उसके सामने हिलाता था, बस हर वक्त उसी का कलमा पढ़ता और उसी के मोहब्बत के गुनगाता, जो कुछ होता पड़ा देखता रहता। प्यारे वालदेन ने बेबस और मजबूर लाचार और नहायत तंग आकर मुझसे फरियाद और शिकायत की। आह मेरी बदबख्ती, तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि आपको गलतफहमी है, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो बड़ी अक्लमंद साहिब सलीका है, आपकी अकल ठीक नहीं है।
एक रोज़ की बात है, वालिद साहब रात को किसी ज़रूरत से पानी लेने के लिए उठे तो नाबीना तोतही एक स्टूल से टकरा गए और इस स्टूल पर दूध का बर्तन रखा था वो ज़मीन पर गिर गया और सारा दूध ज़मीन पर उलट गया। बस फिर क्या था, बेगम साहिबा उठी और उनको बहुत बुरी तरह ललकारा, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए, छोटे मुन्ने का दूध रखा हुआ है और चाहते हो कि चुपके से खुद पी लो, खबरदार आइंदा ऐसी हरकत की, अच्छी तरह दूध पीने का मज़ा चखा दूँगी। मेरी दुखी वालदा भी जाग रही थी, उन्होंने बड़ी नरम आवाज़ से कहा, नहीं बेटी ऐसा ना कहो, ये तो पानी पीने के लिए उठे थे, सामने स्टूल तक दूध का बर्तन गिर गया। चुप रहे बुढ़िया, लगी बातें बनाने और तावीले करने मुझे पढ़ाती हैं, तुझे कुछ तमीज़ भी है बात करने की, बुढ़ी तुझसे निपटूँगी, देख तो सही जब तेरी भी खबर लूँगी, दूर रहो मेरे से, खबरदार आइंदा जो मेरे सामने बड़बड़ाई, तेरी अकल कसिया गई है। कहती है ऐसा न कहो, स्टूल से टकरा गए, मैं जानती हूँ इन्हें चोरी से खाने पीने की आदत है, गरज मेरी बीवी ने इन्हें बहुत ही बुरी तरह से झड़का और डांट डपट की और मैं पड़ा पड़ा ये सब कुछ देखता रहा, लेकिन मैंने बीवी को न रोका बल्कि उसे एक लफ्ज़ तक भी नहीं कहा कि ये तो उनसे क्या कहती और क्यों कहती है, उसे टोका तक नहीं। थोड़े दिनों बाद एक दिन मेरे मामू आए और मेरे वालिद और वालदा को अपने साथ ले गए, बीवी कहीं बाहर गई हुई थी, जब उसे आने पर पता लगा तो उसने इत्मीनान का सांस लिया कि शुक्र है सर से बोझ उतरा और कहा कि अच्छा हुआ, रो रोज़ की कल कल से निजात मिली। इस वाक्य को 3 साल गुजर गए और एक बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बस मेरे लिए बहुत ही मुसीबत का सामना था, बीवी का मरना क्या था, मेरी ज़िंदगी सुनसान सी हो गई और अक्सर मैं कोया कोया सा रहने लगा। मेरे एक बहुत ही मुखलिस दोस्त थे, उन्होंने जल्द ही एक गरीब घराने में मेरी शादी करा दी और ये मेरी बीवी हाफिज़े कुरान, नहायत ही नमाज रोज़ा और कुरानी मजीद की तिलावत की पाबंद, बड़ी ही दीनदार और मेरी हर तरह से फरमाबरदार थी। वो अब भी जिंदा और मेरे घर आबाद है। जब मैं फ़िक्र आखिरत से बेफिक्र होकर बिस्तर पर पड़ा केलों के मैच देखकर ज़िंदगी के बेहतरीन वक़्त ज़ाय करता हूँ जिसकी मुझसे बास पुरस क़यामत के दिन की जाएगी, तो वो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाती हैं। एक दिन की बात है कि मैं चारपाई पर बैठा था और बीवी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी कि अचानक वो उस आयत पर पहुँची कि जिसकी तिलावत तशरी रोज़ाना आप मुझसे सुन रहे हैं, तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाक़ियात आ गए जो पीछे गुजर चुके थे और मेरे साथ मेरे माँ बाप ने जो सलूक किया था और उन्होंने जो जहमत तकलीफ़ मेरे लिए गवारा की थी, तो मेरी ज़ुबान से ये बेसाख्ता निकल गया कि हाय मेरे माँ बाप, और मैं होश में न रहा। गरज अब इतने अरसे के बाद मुझे अपने माँ बाप की याद आ गई कि ज़माना दराज गुजर गया, हाय अफसोस, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी बीवी दौड़ी हुई आई और समझी कि शायद मुझे कोई तकलीफ़ हो गई है, लेकिन उसके बार बार दरियाफ़ करने पर मैंने उसे पूरा वाक़या जल्दी से सुना दिया। अब मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि मैं अपने वालदेन को कैसे पाऊँ। मैं दूसरे दिन ही अपने मामू के यहाँ गया, लेकिन वहाँ पहुँच कर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे ये मालूम हुआ कि वालदेन कई महीनों पहले घर जाने के बहाने यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बस इतना सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि हाय बुढ़ापे और नज़र न होने की हालत में कहाँ गए होंगे। मैं फौरन ही अपने वालिद का फ़ोटो लेकर करीबी थाने में गया और फ़ोटो देकर रिपोर्ट लिखवाई और कई अखबारों में भी फ़ोटो के साथ खबर छपवाई और इधर उधर कई आदमियों को रवाना किया। अब मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और हर वक्त इसी फिक्र में रहता कि किसी भी तरह मेरे वालदेन मिल जाए। मैंने अल्लाह से खूब गिड़गड़ा कर तौबा की और दुआएं की कि इलाही मेरे माँ बाप को वापस लौटा दे। तीसरे रोज़ एक पुलिस वाला आया, उसने मुझे बताया कि जो शक्ल आपने लिखवाई थी बिल्कुल इससे मिलती जुलती शक्ल का एक बूढ़ा आदमी एक कब्र में बैठा फातिहा पढ़ रहा था। मैं दौड़ता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो मेरे चचा थे। मैं उनके कदमों पर गिर पड़ा और अपने वालदेन को दरियाफ़ करने लगा।
चचा ने नज़र उठाई और दो सामने वाले कपड़ों को मुखातब करके पुकारा, कहा, भाई अकरम और बाबी ज़ुबैदा, देखो तुम्हारा लाडला अफसर आ गया है। अकरम मेरे वालिद का, ज़ुबैदा मेरी माँ का नाम था। चचा जान के मुँह से ये बात सुनकर मैं उंधे मुँह खबर पर गिरा और फूट फूट कर ज़ोर कतार से रोने लगा। बस इतना कह कर मौलाना साहब खामोश हो गए। तो मैंने मौलाना की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। बुज़ुर्गों ने सच कहा है कि इंसान से बाद ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो सारी उम्र के लिए अफसोस पैदा कर देती हैं।